दोस्तों बच्चों के साथ बड़े भी झूला झूलना काफी पसंद करते हैं। आज हम आपको दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे झूलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो खतरनाक रोलर कोस्टर माने जाते हैं। इन झूलों में बैठकर झूलना हर किसी की बस की बात नहीं होती, तो आइए जानते हैं ऐसे ही खतरनाक झूलों के बारे में। थंडरबर्ड, यह झूला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे पहला रोलर कोस्टर माना जाता है। साथ ही यह विश्व का सबसे ऊंचा विंग रोलर कोस्टर है। यह रोलर कोस्टर हवा में 140 फीट ऊंची गोल आकृति में बना हुआ है और इसकी चलने की स्पीड 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। ग्रिफिन, यह रोलर कोस्टर यूनाइटेड स्टेट ऑफ वर्जीनिया में स्थित है। यह 205 फुट ऊंचा है। इस पर रोलर कोस्टर 71 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसमें 90 डिग्री के कोण पर बैठे हुए लोग सीधा जमीन की तरफ धकेल दिए जाते हैं, जो काफी खतरनाक होता है। फार्मूला रोसा, यह रोलर कोस्टर फेरारी अबू धाबी में स्थित है। यह विश्व का सबसे तेज चलने वाला रोलर कोस्टर है। यह 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और आपको बता दें यह 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मात्र 2 सेकंड में पूरी कर लेता है। किंगडा का, यह विश्व का सबसे ऊंचा रोलर कोस्टर सिक्स फ्लैग्स ग्रेट एडवेंचर न्यूजर्सी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 456 फुट है और यह 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। दोदोपना, जापान में स्थित इस रोलर कोस्टर की खास बात यह है कि इसमें बैठते ही इंसान का दिमाग घूम जाता है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप इन सभी झूलों में से किस झूले में झूलना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल द प्लैनेट एडवेंचर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं।